Hey guys, it's me Prakash and welcome to my YouTube channel IHM Solution Point. So in this video, we are going to talk about the industry, its growth and evolution. So without any further delay, let's jump into the video. सो गाइज, सबसे पहले तो जो इस चैनल पर पहली बार आया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आगे भी आएंगी। सो गाइज, जब हम होटल इंडस्ट्री के ग्रोथ की और इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसको हम बेसिकली दो स्टेजेस में पढ़ेंगे। पहला तो दोस्तों जो वर्ल्ड में हुआ डेवलपमेंट उसके बारे में, और दूसरा इंडिया में किस तरह से इसकी डेवलपमेंट हुई है। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ल्ड के अंदर होटल इंडस्ट्री किस तरह से इवोल्यूशन हुआ इसका, और साथ ही में दोस्तों किस तरह से ग्रोथ हुई। सो जब हम दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर, सो बेसिकली जो होटल इंडस्ट्री है वो तीन एरा में या फिर तीन स्टेजेस में डेवलप हुई है। फर्स्ट जिसे हम कहेंगे एंशिएंट एरा, सेकेंड गाइज उसको हम कहेंगे ग्रैंड टूर, एंड थर्ड मॉडर्न एरा। गाइज अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियोस को पॉज करके और लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। सो गाइज अगर हम एंशिएंट एरा की बात करें, सो गाइज ये जो छोटी मोटी हॉस्पिटैलिटी की चीज़ें हैं ये 500 बीसी से ही चली आ रही थी। बट लेकिन जब से दोस्तों इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद से दोस्तों रेल की कनेक्टिविटी आ गई, साथ ही में स्टीम लाइन शिप्स भी आ गई जो कि स्टीम पर चलती थी। तो इससे दोस्तों क्या हुआ कि ट्रैवलिंग जो हो गई वो फास्टर हो गई, यानी कि जो लोग थे वो पहले के मुकाबले अब तेज़ी से इधर उधर जा सकते थे टूर पर। सो गाइज वहाँ पे एक नीड का महसूस हुआ कि अब एक प्रॉपर तरीके से रहने के लिए जो है इंतज़ाम करने पड़ेंगे ट्रैवलर्स की, टूरिस्ट की। सो दोस्तों स्मॉल कॉटेजेस पहले बनते थे और स्मॉल होटल्स भी ओपन होना शुरू हो गए। अब दोस्तों मैं बात करूं तो सबसे पहले जो ये चीज़ें हैं वो स्विट्ज़रलैंड और यूरोप के अंदर हुई थी, जहां पर कि स्मॉल स्मॉल होटल्स के अंदर गाइस प्रॉपर तरीके से एक हॉस्पिटैलिटी जो है प्रोवाइड की जाने लगी थी। सो वहां से दोस्तों ये जो एंशिएंट एरा में है इसका पीरियड, अगर मैं पीरियड की बात करूँ सो ये 1750 से लेके 1825 के बीच में ये सारे जो डेवलपमेंट हैं वो हुए, यानी कि स्मॉल कॉटेजेस और स्मॉल होटल्स जो हैं वो सेटअप होने लग गए थे मेनली फ्रॉम यूरोप एंड स्विट्जरलैंड। मूविंग ऑन टू गाइस द सेकंड स्टेज, दैट इज द ग्रैंड टूर। सो गाइस ये बेसिकली एक पीरियड था जहां पे कि लोग ट्रैवल करना काफी ज्यादा पसंद करते थे, और इस पीरियड को दोस्तों गोल्डन एरा ऑफ ट्रैवल भी कहते हैं। अब दोस्तों ये ग्रैंड टूर आखिरकार है क्या? सो इसके नाम में जैसा कि बताया गया है कि ग्रैंड टूर, सो गाइज इसके अंदर बेसिकली होता यह था कि अमीर लोग जो होते थे पहले, रिच पीपल जो होते थे, वो लोग गाइज पूरे जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसकी एक टूर पर निकलते थे। मतलब वो घूमना जिन्हें पसंद होता था वो लोग एक लंबी टूर पर जाते थे जो कि सालों तक चलती थी। सो इसलिए दोस्तों इस पीरियड का नाम है ग्रैंड टूर, और एक दूसरे को देख के जो अमीर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते थे। सो गाइज यहाँ पे लोगों ने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, सो उन लोगों ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी कि क्यों ना इनके लिए एक प्रॉपर तरीके से होटल्स को प्रोवाइड कराया जाए जिससे कि दोस्तों उनकी अच्छी अर्निंग हो सके और वो अपना बिजनेस कर सके। इसके अंदर भी दोस्तों अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम आप लोगों को याद रखना है जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, वो है थॉमस कुक। गाइज उस बंदे ने एक पूरी की पूरी रेल टूर जो है वो ऑर्गेनाइज कर दी थी। सो गाइज आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उस टाइम पे डेवलपमेंट हो रही थी इस एरिया में। और दोस्तों जो थॉमस कुक है वो वर्ल्ड का फर्स्ट टूर ऑपरेटर भी बन गया था इसी के साथ, क्योंकि उसने उस टूर को ऑर्गेनाइज किया था। ये जो टूर थी दोस्तों वो लेसेस्टर से लेके ले बोरो तक उसने डिज़ाइन की थी। सो गाइज ये स्मॉल स्मॉल डिटेल्स आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो बेसिकली गाइज ग्रैंड टूर के अंदर ये सारी चीज़ें हुई। अब हम लोग मूव करते हैं गाइज कि मॉडर्न एरा में क्या हुआ। सो गाइज बेसिकली जब मॉडर्न एरा की हम बात करते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो बहुत धीरे धीरे हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि गाइज इस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो है
डिस्ट्रक्शन हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड, और गाइस जो प्रोग्रेस थी वो बहुत धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन जो अमेरिका के एंटरप्रेन्योर्स थे और बिजनेसमैन थे गाइस, उन लोगों ने इस तरफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को डेवलप करने में, इनोवेट करने में अपने एफर्ट्स को जारी रखा। और गाइस उन लोगों के ही एफर्ट्स की वजह से 1794 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर सिटी होटल को खोला गया, जो कि गाइस उस टाइम पे 73 रूम्स की प्रॉपर्टी होती थी और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। सो गाइस ये एक बहुत ही बड़ा चेंज था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, और एक बहुत ही बड़ा होटल गाइस खुला था। सो अमेरिका के जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनका इसको फुल क्रेडिट जाता है। और गाइस उन्हीं लोगों को फॉलो करके बहुत सारे होटल्स इसी तरह के कई अलग अलग सिटीज़ में खुल गए। उसके बाद दोस्तों अगर मैं फर्स्ट बिजनेस होटल की बात करूँ, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा मेजर चेंज था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, वो भी अगेन दोस्तों अमेरिका में ही बफेलो के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर एक और नया होटल खुला जिसका नाम था स्टैटलर होटल। और गाइज ये जो प्रॉपर्टी थी वो 450 रूम्स की थी, जो कि काफ़ी बड़ी थी गाइज। एंड इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर और भी कई तरह की नई फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया था, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर हर एक रूम के अंदर, साथ ही में दोस्तों इलेक्ट्रिक लैंप्स की भी फैसिलिटीज़ रूम्स में प्रोवाइड की गई थी, और साथ ही में दोस्तों रेडियो की फैसिलिटीज़ भी हर रूम के अंदर प्रोवाइड की गई थी। सो ये स्टैटलर होटल था गाइस, ये वर्ल्ड का फर्स्ट बिजनेस होटल था जो कि अगेन न्यूयॉर्क के अंदर ही खोला गया था। सो गाइस इस तरह से जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ग्रो की। एंड अगेन 1950s में गाइस बहुत ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ गया था, लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे। सो गाइस उन लोगों की नीड को देखते हुए मोटर होटल्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मोटेल्स भी बोलते हैं, MOTELS, सो दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर प्लस होटेल्स, सो मोटेल्स। सो गाइज अगर मैं अपने इंडिया में बोलूँ तो आप लोगों ने ज़रूर कहीं ना कहीं ढाबा ज़रूर देखा होगा। सो वो कॉन्सेप्ट गाइज फॉरेन से आया हुआ है, जहाँ पे ये काफ़ी पहले से ही इंट्रोड्यूस हो चुका था और उसे मोटेल्स के नाम से जानते थे। सो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आज की, और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी कि आखिरकार होटल इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप हुई वर्ल्ड के अंदर। सो गाइस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आगे भी आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। और अगर कुछ आप लोगों के डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।